गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 21, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। हालांकि न्यूज तो छोटी छोटी बहुत सारी है, उसको भी मैं कवर करूंगा, लेकिन जो बेसिक न्यूज है वो रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में। तो गवर्नमेंट से जो जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके जवाब में गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कहा है, अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। जीआरएपी यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, ये प्लान होता है जो कि दिल्ली और एनसीआर में जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उसके लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2017 में यहाँ पे मेंस में सवाल आ चुका है, फ्यूचर में भी आ सकता है। केएनपी क्यूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा, उसके बारे में बात करेंगे। भैया मॉनसून जो है इंडिया से फाइनली विड्रॉ कर रही है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हिजाब रो के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे न्यूज ज्यादा डोमेस्टिक नहीं होने वाली है, आज यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज भी होने वाली है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं और हिजाब रो में सरकार ने क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा दो एडिटोरियल आज हम लोगों ने कवर किए हैं यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो दो एडिटोरियल लगाते हैं, तो आज हम लोग दो एडिटोरियल लेके आए हैं। एक्सप्लेनर सेक्शन में एक टॉपिक है लंपी डिसीज वाला, थोड़ा उसको भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको एक बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, आपको भी लेना है तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी काफी डिटेल में आपको कवर करवाई जाएगी। लेकिन कोई भी एस्पिरेंट जो है वीडियो को बिना लाइक करे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। तो लाइक करें, आगे एनालिसिस का मजा लें। तो एक बार फ्रंट पेज पे ही देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। तो पहले तो भैया ये चाइना वाला एंगल यहाँ पे है। हमारे जो एडमिरल है मिस्टर हरि कुमार, तो इन्होंने कहा है कि भैया चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि जो काफी टफ होता है, जिससे आप मुकाबला कर तो सकते हो लेकिन वो टफ कॉम्पिटिटर होता है। तो देखिए इन्होंने ये कहा है कि चाइना ना वो भैया फॉर्मिडेबल फोर्स है, वो तो ऑफकोर्स है ही, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी फोर्स है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि पिछले कुछ समय से इंडियन ओशन जो रीजन है वहां पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बढ़ा रहा है, बहाने करके बढ़ा रहा है। देखिये चाइना क्या कहता है कि भैया मुझे एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बहाने चाइना लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपने शिप्स को भेजता रहता है। वो कहता है कि भैया ये जो शिप है ना वो डिफेंस पर्पज के लिए है, मतलब एंटी पायरेसी है, जो लुटेरे होते हैं ना उनको पकड़ने के लिए है। लेकिन उसके बहाने वो अपने शिप्स को यहाँ पे लेके आता रहता है, सर्विलेंस करता रहता है, ये उन्होंने कहा है। इनका ये भी कहना है कि 2008 के बाद चाइना के हमेशा 5 से 8 चाइनीज नेवी शिप वो इंडियन ओशन में रहते हैं, जो कि हमारे लिए खतरा है। हालांकि उनके ऊपर हम लोग नजर रखते हैं, लेकिन भाई जब इतनी प्रेजेंस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से चूक हो भी सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में और जिबूती में तो उन्होंने अपना जो है नेवल बेस बना ही लिया है इतना बड़ा, तो प्रेजेंस बढ़ रही है, तो इसलिए इंडिया को भी थोड़ा सा यहाँ पे और चौकन्ना होने की जरूरत है। तो ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कहा है। ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट इरोड राइट ऑफ द एससीज एसटीज एंड ओबीसी। तो सेंटर ने फाइनली जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि माई बाप जो हम लोगों ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% का कोटा दिया है, इसका जो है एससी एसटी और ओबीसी कोटा से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग है, ये अलग है, आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो, है ना। तो 50% के जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं आप उसको कोटा दे सकते हो, तो उसको आप मिक्स मत करिए। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई ऑलरेडी जो एससी एसटी ओबीसी क्लास है उनको ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिजर्वेशन मिल रहा है, प्रमोशन में भी मिल रहा है, एडमिशन में भी मिल रहा है, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी मिल रहा है, तो ऑलरेडी उनको इतना बेनिफिट दिया जा चुका है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में उनका स्थान नहीं बनता है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली कुछ प्रीवियस डिसीजन को भी यहाँ पे कोट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि यस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है एक क्रिटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन को लेके, जैसे राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन 2009, इसके अंदर जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं उनको एडमिशन मिल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको वैलिड डिक्लेयर किया था। तो इनका यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक केस में गरीबी को, इकोनॉमिकल स्टेटस को जब क्रिटेरिया मान सकता है तो दूसरे में क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, हमारा डीपीएस भी कहता है। तो ये बेसिकली सरकार का आर्गुमेंट है,
अब सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट को कितना सीरियसली लेती है और जो ओपोजिशन के जो लॉयर्स हैं वो यहाँ पे क्या बोलती है वो थोड़ा यहाँ पे देखना रहेगा। बाकी दोनों तरफ से आर्गुमेंट चल ही रहे हैं, ठीक है, कभी वो जवाब देते हैं कभी वो जवाब देते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कल किया था स्टबल बर्निंग वाला, परसों किया था हम लोगों ने, काफी डिटेल में टॉपिक आपको मैंने करवाया था, बहुत अच्छा डिटेल्ड कंटेंट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था स्टबल बर्निंग के बारे में, उसके रीजंस क्या है वो सारी चीज कराया था ना आपको, तो उसी के बारे में थोड़ा सी आर्टिकल है। तो देखिये, ये 2020 में एक्चुअली हम लोगों ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी को अपनाया था कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो एरिया है, मतलब स्पेशली जो एनसीआर के अंदर में जो एग्रीकल्चर लैंड आती है ना, तो वहां पे भी किसान पहले स्टबल बर्निंग किया करते थे। लेकिन 2020 में जो है इन्होंने क्या किया, जो हमारा एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, IARI, इन्होंने जो है एक डीकम्पोजर की इन्होंने खोज किया, उसको इन्वेंट किया। तो जिसमें क्या करते हैं ना, आप उसको स्प्रे कर सकते हो, है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये स्टबल है, ये रेजिड्यूज है, तो इसको स्प्रे करोगे ना तो 2-3 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाता है, तो जिसमें आपको जलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस समय दिल्ली की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया देखो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, वहां पे तो जब होगा जो होगा, लेकिन कम से कम जो दिल्ली वाला एग्रीकल्चर एरिया है ना, इसको तो कम से कम टैकल करो। तीनों ने कहा है कि 5,000 acre पैडी फील्ड के अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस डीकम्पोजर का छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब पंजाब के अंदर भी ये वो लोग करते हैं नहीं करते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो देखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जब पोल्यूशन होता है ना, तो उसके लिए एक प्लान हमारे पास है, जिसे कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। देखिए, ग्रेडेड का मतलब होता है स्टेप वाइज, इसका मतलब होता है स्टेप वाइज, तो स्टेप वाइज रिस्पॉन्स करना है, एक्शन लेना है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि भैया जैसे पोल्यूशन का लेवल तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, अगले वीक कुछ और होगा, धीरे 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 इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे हमारे एक्शन भी इंक्रीज होते रहते हैं। पहले थोड़े से नॉर्मल एक्शन होते हैं, फिर थोड़ा मिडिल लेवल के होते हैं, फिर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर देती है सरकार, स्कूल कॉलेज बंद कर देती है, OD1 चलाना शुरू कर देती है, उस तरह का, उसे कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। तो इसको 2016 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था फाइनली, और ये सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली निर्देश के ऊपर इसको किया गया था। 2017 में फाइनली दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन ने इसको नोटिफाई कर दिया गया था। होता क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि धीरे 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 करके हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन लेते हैं अगेंस्ट पोल्यूशन। तो जैसे जैसे हमारी एयर क्वालिटी वो डिटेरियोरेट होती रहती है, खासकर PM10 और PM2.5 का लेवल, वो हम लोग करते रहते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वगैरह में, जो इसके लिए काम करती हैं। तो अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। जैसे आपको पता ही है ना कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों होता है ज्यादा, खासकर विंटर सीजन में। देखिए, सितंबर चल गया भाई, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हालत बहुत खराब होने वाली है। वैसे भी पूरा फेस्टिवल सीजन है ना, तो एक तरफ तो फसलों की आग लगेगी, दूसरी जो है पटाखे बजेंगे, बहुत सारे शादियां वादियों का सीजन भी चलता है, तो खूब पटाखे बजाए जाते हैं। दिल्ली में इस समय बहुत हालत खराब हो जाती है, एकदम गैस के चैम्बर जैसा हो जाता है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो इस साल के इस समय ना मुझे परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बाहर से आदमी आता है ना, गांव-गांव से, जो दिल्ली में कभी रहा नहीं है, भाई आप यहाँ पे 2 दिन के लिए नहीं रुक सकते हो, आंखों से जलन होने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इस समय काफी दिक्कत वाली दिक्कत होती है दिल्ली में। तो कुछ रीजन है, जैसे स्टबल बर्निंग तो ऑफकोर्स है ही, उसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम चेंज हो जाती है, विंड जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, हवा चलनी बंद हो जाती है, क्योंकि अचानक से हाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आपको पता है ना, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे कंडीशन स्टेबल होती हैं, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे कंडीशन डिस्टर्ब होते हैं, हवा चलती है, है ना, बादल होते हैं, क्लाउड्स होता है, रेनफॉल होता है, हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि विंटर शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से वहाँ पे होता है। ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंदर ना हम लोग अलग अलग लेवल पे जो है एक्शन लेते हैं। जैसे अगर PM2.5 का लेवल और अगर PM10 का लेवल अगर वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर PM2.5 का लेवल सीवियर होता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है, तो हम लोग स्टोन क्रशर्स को बंद कर देते हैं, ठीक है, जो जो ईंटों के भट्टे होते हैं, ब्रिक किन्स होते हैं, उनको बंद कर देते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। जब पुअर होता है, वेरी पुअर होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीजल जनरेटर को बंद कर देते हैं, पार्किंग फीस बढ़ा देते हैं, बसेस और मेट्रो की सर्विसेज को इंक्रीज कर देते हैं। जब मॉडरेट टू पुअर लेवल होता है, तो उसमें हम लोग गार्बेज बर्निंग के ऊपर फाइन लगा सकते हैं, ठीक है,
इस तरह की चीजें हम लोग वहां पे करते हैं, वो सड़कों के ऊपर पानी वानी का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो की जाती हैं अलग अलग लेवल पे। इसे कहा जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ODI चलाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीजें वहां पे डेफिनेटली होती हैं। तो ये को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑलरेडी 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून बिगिंस अर्ली विड्रॉल इन द राजस्थान। तो भैया यूजली क्या रहता है ना, जो मॉनसून के विड्रॉ होने का टाइम होता है वो होता है 17 सितंबर। इस बार जो है वो थोड़ा सा वो जो है जल्दी हो गया है। कहां से? राजस्थान से, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। देखिए साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जो राजस्थान है ना, यहाँ पे मॉनसून सबसे लेट आता है, ठीक है, और सबसे पहले यहाँ से निकलना शुरू होता है। तो यूजली जो है सितंबर 15 से लेके 17 की डेट होती है। हालांकि IMD 17 मानता है, लेकिन NCERT वगैरह में 15 भी दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले निकलना शुरू होता है विड्रो, फिर धीरे धीरे जो है वो आगे जो है डेट के हिसाब से निकलता रहता है। सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, इवन जो हमारा सदर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया है यहाँ पे, तो जाते जाते उसको दिसंबर हो जाता है, ठीक है, निकलते निकलते मॉनसून को। तो ऐसे ही जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर का महीना मॉनसून प्रिवेल करता है, फिर 15 सितंबर 17 सितंबर से एक्सट्रीम पार्ट ऑफ राजस्थान से निकलना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो इस बार जो है वो थोड़ा सा एक दो दिन जल्दी निकल गया है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जून 1 से लेकर सेप्टेम्बर 20 तक इंडिया में ओवरऑल मॉनसून जो है थोड़ा सा सरप्लस रहा है, 7% रहा है, लेकिन वो काफी अनइवन रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो क्लियरली कि जैसे जो ये हमारा पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पे -21% यानी कि 20% कम रेनफॉल हुआ है। बिहार में 30%, उत्तर प्रदेश में 37% कम रेनफॉल हुआ है। लेकिन जो इस बार सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल हुआ है इस बार नॉर्मल के कंपेरिजन में। तो अनइवन जो है इनफॉल यहाँ पे हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए पिछले 8-10 सालों में पता क्या हो रहा है, 15-20 सालों से क्या हो रहा है, सितंबर के मंथ में जो है ऑन एवरेज ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, जबकि जून के महीने में कम रेनफॉल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मॉनसून अपने आप को थोड़ा शिफ्ट कर रहा है आगे की तरफ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ओशंस वगैरह हैं वो ज्यादा गर्म हो रहे हैं। जब ओशन भैया गर्म होंगे तो वहां से ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा, इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो रेनफॉल होती है। तो क्योंकि ओशन थोड़े गर्म हो जाते हैं ज्यादा, तो उनको हीट रिलीज करने में समय लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सितंबर के अंदर जो है 8-10 दिन एडवांस हो गया है हमारा मॉनसून। ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, बाकी आप क्लियरली इस डॉक्यूमेंट में हल्का फुल्का पढ़ सकते हो, ठीक है जी। चलिए क्यूनो नेशनल पार्क को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे एक यहाँ पे थोड़ा विवाद हुआ है। तो राजस्थान के अंदर जैसे बिश्नोई कम्युनिटीज हैं, तो उन्होंने अभी जो है कंप्लेंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी से। उन्होंने कहा है कि भैया जो राजस्थान से कुछ जंग इनको जो डियर हैं वहां पे चीतल, ठीक है, इनको जो है वहां से कुल्लू नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया है। किस लिए किया गया है? ताकि चीता उसको कंज्यूम कर सके, क्योंकि देखो चीता तो खाएगा ना भाई, भूखा थोड़ी मरेगा, उसको इतनी दूर से लाए हैं तो वो चीतल को खाएगा। तो जिसके लिए उनका आरोप लगाया गया है कि इन्होंने राजस्थान से बहुत सारे चीतल को शिफ्ट किया है। हालांकि सरकार का ऐसा कहना है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने किसी को शिफ्ट नहीं किया। हाँ, ये जो शिफ्ट किया जाता है ना, ये रेगुलर प्रोसीजर होता है। तो जो जैसे मान लो राजस्थान में रणथंभौर में या कहीं और, जैसे अगर वो किसी चीतल की या किसी की बहुत पॉपुलेशन होती है और वहां पे टाइम टू टाइम जो है पानी वानी की कमी हो जाती है, फोडर की कमी हो जाती है, तो सरकार क्या करती है कुछ चीतल वगैरह को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई चीता को खाने के लिए हम लोग स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं। हालांकि देखो ऐसा हो भी सकता है, आई डोंट नो, अगर वहां पे फूड की कमी होगी तो डेफिनेटली किया होगा, लेकिन फूड की कमी नहीं है तो इट्स कैन बी रेगुलर प्रोसीजर एज वेल। क्या है पूरा मामला हमें पता नहीं। तो कुल्लू नेशनल पार्क बेसिकली इसको 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2018 में इसको एज अ नेशनल पार्क का स्टेटस इसको किया गया था। तो हमारा जो खतियार गिर ड्राई फॉरेस्ट है ना, उसका ये पार्ट बनता है पूरे का पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूनू नेशनल पार्क है हमारा, क्यूनू पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी बोल सकते हो, और इससे थोड़ा आप जाओगे तो माधवपुर नेशनल पार्क है, और थोड़ा राजस्थान वाले एरिया में इधर जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आपका रणथंभौर जो है टाइगर रिजर्व पड़ता है। तो ये पूरा एरिया है बेसिकली चीता के लिए घूमने फिरने का, आराम से घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, मौज करेगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और यही हम लोग चाहते हैं ताकि उसकी कंजर्वेशन हो सके, लोगों को जो है लिवलीहुड मिल सके, टूरिज्म वहाँ पे एक्सपोर्ट हो सके, अवेयरनेस बढ़ सके, बहुत सारे बेनिफिट हैं चीता को लेके आने के लिए, ठीक है जी। चलिए अगला जो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी एक मतलब कंट्रोवर्सी भी है और प्रॉब्लम भी है,
एक तो ईरान से है समस्या और एक इंडिया से है। तो इंडिया में आपको पता है हिजाब रो लगातार चली रही है, हम उसको कवर कर ही रहे हैं। तो सरकार ने बेसिकली जवाब दिया है अभी कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा है कि देखो सर, ये जो हिजाब वाला इशू है ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, इसका बच्चों की एजुकेशन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। 2022 तक ये जितनी भी स्टूडेंट हैं अभी जिनको लेके विवाद हो रहा है, इनको हिजाब से कोई मतलब, ये हिजाब पहन के नहीं आती थी, नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह आती थी, मतलब फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, सोशल मीडिया पे पार्टिसिपेट करना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। 2022 के बाद जो है ना, वहां पे देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वैसे कर्नाटक में काफी एक्टिव है, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, काफी टेररिस्ट लिंक भी पाए जाते हैं इससे। इनका कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के दिमाग में सोशल मीडिया का यूज करके पैसे वैसे का लालच देके इस कंट्रोवर्सी को फालतू में बनाया गया है। एक्चुअली में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इतने सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में किसी को दिक्कत हुई नहीं, अचानक से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो एक तो इंडिया की तरफ से ये जवाब आया है, दूसरा इशू चल रहा है भैया ईरान के अंदर। ईरान के अंदर भयंकर जो है वहां पे चीजें हो रही हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 3-4 लोग मारे भी गए हैं। आप पूछोगे सर के पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है हिजाब। वहां पे जो है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि ईरान में कोई नई बात नहीं है, ईरान में होते रहते हैं बहुत पहले से, और पिछले कुछ समय से वहां पे एंटी हिजाब मूवमेंट भी चल रही है। वीमेन जो है वो पब्लिक प्लेसेस में अपने हिजाब को उतार देती हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालती हैं, बिकॉज वहां पे हिजाब का बहुत पसंद नहीं किया जाता वीमेन के द्वारा। कुछ लोग करती होंगी लेकिन बहुत लोग जो है करते नहीं है, सोशल मीडिया पे खूब सारे ये चलते हैं। तभी वहां पे 22 साल की एक वीमेन थी महसा अमीनी करके, तो उन्होंने हिजाब उतार दिया था, पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी कस्टडी में, उसके ऊपर जो है उसके साथ जो है छेड़खानी भी हुई, उसको मारा पीटा गया और उसकी डेथ हो गई। तो जिसकी वजह से पूरे के पूरे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और हजारों की संख्या में वीमेन ईरान में सड़कों पर आ रही है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर। उनका कहना है कि जो हिजाब है वो एक सप्रेशन का एक सिंबल है, तो हम इसको भैया नहीं पहनेंगे, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। वैसे भी 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, 1979 से पहले ईरान में एकदम ओपन जो है सोसाइटी हुआ करती थी, वहां पे गर्ल्स जो है मिनी स्कर्ट टी शर्ट जीन्स एकदम वेस्टर्न वाला पूरा माहौल हुआ करता था। 79 में फिर अचानक से वहां पे जो जिसे रिलीजियस पुलिस कहा जाता है ईरान में, उनकी संख्या बढ़ गई, क्रैकडाउन लगाए गए खासकर वीमेन राइट्स के ऊपर, तो उनको हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया, वो सारी सारी चीजें हैं। तो लेट्स सी कहां तक ये पूरा चीजें जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो सोसाइटी हैं, एक हमारे यहाँ पे, देखो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी वीमेन है वो हिजाब नहीं पहनती हैं, जिसकी चॉइस है पहनो, नहीं चॉइस है मत पहनो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, राइट। चलिए, और जो है हमारे जो गवर्नर है मिस्टर दास आरबीआई के, उन्होंने कहा है कि भैया जो ऑनलाइन आजकल ना जो एप्लीकेशन वगैरह आती हैं ऑनलाइन आपको लोन दे देती हैं बहुत सारी चीजें करके, तो उन्होंने कहा कि चीजें ठीक नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिले हैं जब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस अपनाती हैं, आपके डेटा को जो है प्राइवेट डेटा को शेयर कर देती हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो जिसे फिनटेक कहा जाता है, फिनटेक, जैसे हम लोग एडटेक बोलते हैं ना एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे ही फिनटेक होता है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो आजकल बहुत छोटे छोटे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं निकल के, छोटे छोटे एप्लीकेशन निकल के आ रही है जो लोगों को लोन देती हैं सस्ते में, मतलब बोलती हैं वो सस्ते में लेकिन एक्चुअली में सस्ते में नहीं होता है। तो दास जी ने ये कहा है कि भैया हमें बैलेंस बना के चलने की जरूरत है बिटवीन इनोवेशन एंड बिटवीन कंज्यूमर वेलफेयर, तो उसके बारे में ही छोटा सा आर्टिकल था ये, ठीक है। सॉरी ये कल वाला शायद यहाँ पे रिपीट हो गया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, विंडफॉल वाला है ये। तो आज बेसिकली दो एडिटोरियल हैं, लेकिन एडिटोरियल हाँ तो थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। देखिए आपको पता है वैसे भी कल द हिंदू का पूरा लुक चेंज हो गया है, देखिए आप क्लियरली देख सकते हो कितना स्पेस है यहाँ पे, पहले इतना स्पेस नहीं होता था, तो इस स्पेस के अंदर पहले वर्ड्स होते थे। तो एक तो जो हिंदू के एडिटोरियल है ना, अभी उनके अंदर वर्ड लिमिट कम हो गई है, ठीक है, सिर्फ एडिटोरियल में ही नहीं बल्कि आर्टिकल्स के अंदर भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पेस ज्यादा कर दिया गया, ये देखिए स्पेस ज्यादा हो गया यहाँ पे बीच में, है ना, इनके बीच में भी स्पेस हो गया है। तो इन्होंने नया टेक्नोलॉजी और ये नया आउटलुक लाया है, जिसका इनको ये कहना है कि भैया अभी हमारे आर्टिकल के अंदर 19% जो है वर्ड लिमिट कम होगा, मतलब हम शब्द कम यूज करेंगे लेकिन कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फ्यूचर में आने वाले जो एडिटोरियल हैं डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी कंटेंट होगा वो काफी इफेक्टिव होने वाला है, ऐसा इनका मानना है, बाकी देखते हैं। तो भैया कहता है भैया पोजीशनिंग इंडिया इन अ क्योटिक वर्ल्ड, क्योटिक मतलब जहाँ पे सब कुछ क्योस होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे क्योटिक वर्ल्ड कहा जाता है।
तो क्योटी कोड तो है ही, एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है भाई, एक तरफ अफगानिस्तान चल रहा है, एक तरफ एससीओ चल रहा है, एक तरफ जो है चाइना चल रहा है, एक तरफ आपका ताइवान चल रहा है, एक तरफ सोलोमन आइलैंड चल रहा है ना, क्योटिक वर्ल्ड तो है। और ऐसा नहीं है कि अभी क्योटिक वर्ल्ड है, हमेशा से क्योटिक वर्ल्ड होता ही रहा है ना। तो इन्हें कहना कि भैया इंडिया की यहाँ पे क्या जगह है इस क्योटिक वर्ल्ड में, कहाँ पोजिशन फिट होती है हमारी। तो इंडिया की पोजिशन पहले कैसी थी, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट वाली थी, हम लोग बीच में खड़े हुए थे, ना तो हम इस ग्रुप का पार्ट थे ना ही हम इस ग्रुप का पार्ट थे। अभी पोजीशन हम थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, खड़े अभी भी बीच में ही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्वेटिव हो गए हैं, कहने का मतलब ये है। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मीटिंग हुआ, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट भी हुआ, उस पर भी हम लोगों ने जो है ऐसा थोड़ा थोड़ा स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। तो आर्टिकल का ये कहना है कि भैया जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी ना इंडिया की, उसका एक नया वर्जन सामने आ रहा है ना। तो बात ये है कि ए डिजायर टू बी ए पार्ट ऑफ बोथ ब्लॉक्स विदाउट एंटागोनाइजिंग ईदर। पहले हमारी साइकोलॉजी क्या हुआ करती थी, पहले हम लोग कहते थे कि हम लोग किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम दोनों ग्रुप का पार्ट बनेंगे। देखिए दोनों अप्रोच में फर्क है, वो पहले वाली जो पोजिशन थी वो एक नेगेटिव थी, ये वाली है पॉजिटिव है, हम दोनों का पार्ट बनेंगे, दोनों के साथ नेगोशिएशन करेंगे। ये हमारी नई अप्रोच यहाँ पे निकल के आई है, न्यू वर्जन ऑफ लोन अलाइनमेंट। देखिए मोदी जी ने भी क्या कहा पुतिन जी को, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट्स एन एरा ऑफ डेमोक्रेसी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। पहले वाली अगर हमारी ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होती तो उसमें हम लोग ये कभी भी नहीं बोलते। ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है कि मोदी जी जो है पुतिन के एक्शन से खुश नहीं है। मतलब वैसे तो चाहे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूट्रल पोजीशन लेते हों, लेकिन वन टू वन मीटिंग में मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि भैया हम लोग आपके यूक्रेन एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमने तो कहा, अब ये तो हमारा चाइना के साथ रशिया के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, दूसरी तरफ भैया हम लोग क्वाड भी कर रहे हैं तो उधर से भी हम लोग माहौल बना रहे हैं। ईरान के साथ हमारे जो रिलेशनशिप काफी फ्रीज हो गए थे उसको भी हम लोग थोड़ा सा ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, चबाहर पोर्ट वगैरह का हम लोग जो है माहौल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने कहा है, हाँ हालांकि इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है ना वो थोड़ी पैसिव हो गई है, पैसिव हो गई है। जैसे देखिए एक होती है एक्टिव पॉलिसी, एक्टिव पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब आप जो है एक्टिव एक्शन लेते हो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एक होती है पैसिव पॉलिसी, मतलब आप न्यूट्रल खड़े हुए हो। इंडिया की पॉलिसी पैसिव है, जैसे हम लोगों ने जब यूनाइटेड नेशन के अंदर वोट हुआ रशिया के अगेंस्ट में, हम लोग अब्सटेन हो गए, हम लोग वहां पे गए ही नहीं, वोटिंग हम लोगों ने किया नहीं। लेकिन क्या इससे कोई सोल्यूशन निकला, क्या इसने कोई पीस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया, नहीं किया। ये है पैसिव पॉलिसी। एक्टिव पॉलिसी क्या होती कि हम लोग यूक्रेन के साथ भी नेगोशिएशन करते, रशिया के साथ भी नेगोशिएशन करते, दोनों को जो है डिस्कशन टेबल पे लेके आते, बातचीत, वो होती है एक्टिव पॉलिसी। ये है नेगेटिव पॉलिसी। ऐसे ही हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ भी किया, समझ लो। पाकिस्तान के साथ क्या किया हम लोगों ने कि हम लोगों ने बातचीत ही बंद कर दिया, लेकिन क्या उस बातचीत करने से सॉल्यूशन कम हुआ, नहीं हुआ। क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई, नहीं हुई। इट्स अ काइंड ऑफ पैसिव पॉलिसी, पैसिव पॉलिसी। तो इसको थोड़ा सा दूर करने की जरूरत है। चाइना के साथ रिलेशन के बारे में इस आर्टिकल में थोड़ा बहुत लिखा गया है। देखिए चाइना के साथ हमारे दो रिलेशन है, एक है शॉर्ट टर्म रिलेशन, एक है लॉन्ग टर्म रिलेशन। लॉन्ग टर्म रिलेशन, लॉन्ग टर्म तो हमारा सिविलाइजेशन भैया हजारों सालों का रिलेशन है। हालांकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन कभी नहीं रहे हिस्ट्री में अगर उठा के चलो, लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहे हैं। पड़ोसी हैं तो ऑफकोर्स सिविलाइजेशन है इतनी बड़ी बड़ी, तो आपस में हल्का फुल्का तो दिक्कत होती ही है, नो डाउट। तो इनका ये कहना है कि देखिए नियर टर्म में हमारे रिलेशन खराब हो गए हैं बिकॉज लद्दाख में जो चीजें हुई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं मानना चाहिए कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कभी इंप्रूव ही नहीं होंगे। भैया ये कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर क्रिएटिव होंगे तो इम्प्रूवमेंट का स्पेस बनता है लॉन्ग टर्म में। तो सरकार को अगले जो है 25, 30, 50 साल देखने चाहिए। तो अपने जो दरवाजे हैं ना वो चाइना के लिए बंद नहीं करने चाहिए, दरवाजे खोलिए, बातचीत करिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करिए। जैसा चाइना रशिया में हो रहा है, चाइना रशिया की आपस में नहीं पटती थी लेकिन अभी पट रही है क्योंकि दोनों ने दरवाजे खोल के रखे हैं अपने साथ। तो ये इन्होंने कहा है कि कुछ कुछ चीजें जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा इंडिया तो चाइना और रशिया के रिलेशन बहुत गहरे होते चले जाएंगे, उसमें इंडिया अपने पड़ोस में पिछड़ सकता है, ठीक है। ये इन्होंने कहा है। और क्या कहा इन्होंने न्यूक्लियर डायमेंशन के ऊपर, क्या कहा है, हमारी जो पॉलिसी रही है वो है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, जो कि काफी ज्यादा प्रेज भी की जाती है दुनिया भर में।
चाइना और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने बहुत ज्यादा अग्रेसिवली न्यूक्लियर पॉलिसी को सामने नहीं किया है, लेकिन आपको पता ही है कि चाइना अभी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है भयंकर तरीके से, भैया एकदम भारी भरकम न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो क्या उस केस में हमारी जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को लेके, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है? इसके ऊपर डेफिनेटली बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है, हमारे दोनों तरफ हमारे दुश्मन हैं और दोनों ही दुश्मन जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कहा है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर। ठीक है जी, चलिए एक और एडिटोरियल हमारे पास है जो कि बेंगलुरु फ्लड के बारे में है। हालांकि ये हम लोग पहले इनडायरेक्टली कर चुके हैं। तो इनका कहना है कि देखो भाई, पिछले 15 सालों में क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से हो क्या रहा है कि भाई जो एक्सट्रीम क्लाइमेट जो फिनोमिनास थे वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2015 मतलब आपने 2005 में मुंबई फ्लड को देखा, जब मुंबई में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 900 mm रेनफॉल हो गया था। चेन्नई में 2015 में जो फ्लड आया था, बेंगलुरु में 2022 में जो फ्लड आया है, चीजें इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर वेपर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इवन पहले क्या होता था, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो एक तरफ हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ हमारे पास अरेबियन सी है। पहले क्या होता था, यूजली ये एक्टिविटी ना बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होती थी, साइक्लोन एक्टिविटी, लेकिन अब अरेबियन सी के अंदर भी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अरेबियन सी भी अब गर्म होता जा रहा है धीरे 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 करके। अब इस सारी पोजीशन में क्या है, जैसे कलकत्ता है, भुवनेश्वर है, ठीक है, चेन्नई है, ये यहाँ पे ऑलरेडी साइक्लोन्स आते रहते हैं, लेकिन बेंगलोर की पोजीशन काफी ज्यादा यूनिक है। क्यों? देखिए, बेंगलोर का जो थोड़ा हाई एलिवेशन पे सिचुएटेड है बेंगलुरु, उसकी टोपोग्राफी भी थोड़ी सी इसी तरह की बनी हुई है, लेक्स हैं वहाँ पे बहुत सारी जो इंटरकनेक्टेड हैं, ग्रीन स्पेस भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे, जिसकी वजह से अभी तक बेंगलुरु में इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन अब शुरू हो गई है। क्यों? उसका कारण इन्होंने यहाँ पे कई सारे बता रखे हैं। पहली बात तो जैसे मान लो ये कोई सिटी है, ठीक है, जैसे बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोई भी सिटी है, अब सरकार क्या करती है ना, ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन सिटी के आसपास चारों तरफ जो है आउटर रिंग रोड बना देती है। अब जिस रिंग रोड की वजह से क्या होता है भैया, ये तो पानी की ब्लॉकेज हो गई, तो पानी यहां से बाहर निकल नहीं पाता, और एक बार अगर वो घुस गया तो अंदर ही जाम हो जाता है। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन है कि आउटर रिंग रोड बहुत सारे बनाए गए हैं बेंगलुरु के अंदर। उसके अलावा बेंगलुरु का जो गार्बेज सिस्टम है भैया, वो बहुत खराब है, तो जिसकी वजह से वहां के जो नालियां वगैरह थी, नाले थे, रिवर्स थी कुछ, वो ब्लॉक हो गई। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे केस स्टडी का एग्जाम्पल भी दिया है। तो देखिए, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद कर सकते हो। बेंगलुरु में जो है एक लेक है जिसका नाम है वार्थुर, ये काफी बड़ी वाटर बॉडी हुआ करती थी। इनका कहना है कि भैया 2001 और 2020 के बीच में, मतलब पिछले लास्ट टू डेकेड्स में, यहाँ पे 79% तक कैचमेंट हो चुका है। मतलब वहां पे लोगों ने घर बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, शॉपिंग मॉल बना लिया। तो भैया जब पानी बचेगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ, जब लेक बचेगी ही नहीं तो भैया कहाँ जाएगा पानी। मैंने आपको बताया था ना एक सेंटेंस, वाटर हैज परफेक्ट मेमोरी, वो मोटर जो है अपना रास्ता कभी नहीं भूलता, 100, 200, 400, 500, 1000 साल तक वो जहां आना है उसको वहीं आना है। तो इस बार बेंगलुरु का नंबर आ गया, और भी जो है वहां पे ग्रीन कवर जो है काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है, अभी 12% रह गया है, 2020 में 34% हुआ करता था। जो नेटवर्क था वहां पे ड्रेन्स वगैरह का, वो काफी ज्यादा खराब वहां पे उन्होंने कहा है कि उनका हो गया है। एक और जो है बेलांदुर कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे भी वही सेम दिक्कत हुई जो वार्थुर के अंदर हुई है समस्या। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मतलब ना कंप्लेसेंसी हो गई है, कंप्लेसेंसी इन द सेंस के कई बार क्या होता है ना, मानसून के टाइम पे भी बेंगलुरु के अंदर बहुत सारी लेक्स ना सूख जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल वहां पे होता नहीं है। अब उसकी वजह से ना लोगों के मन में एक बैठ गई है बात, अरे यार यहाँ तो पानी आता ही नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे बिल्डिंग बना ली जाए। अगर हर मानसून में वो लेक भर जाती तो लोग शायद ऐसा नहीं सोचते। तो एक टेम्पटेशन हो जाती है ना, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो, उनको लगता है कि भाई पानी तो यहाँ आता नहीं है, वैसे भी खाली पड़ा हुआ है, तो इसको भर दो। किसके साथ? मिट्टी के साथ भर दो, कंक्रीट के साथ भर दो, जिसकी वजह से सारी दिक्कत वहां पे होती है। तो जो पोल्यूटेड ड्रेन्स वगैरह होती हैं वो तो समस्या ऑफ कोर्स यहाँ पे डेफिनेटली है ही। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने कही है, बाकी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं।
ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनकी टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट है। अभी जो है बड़ा बेंगलुरु में एक अजीब सा केस देखा गया कि जो अमीर लोग हैं जहां पे पानी घुस गया था वहां से पानी निकाल के जो है स्लम एरिया में या मार्जिनलाइज्ड एरिया में जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया, पानी को मतलब वहां पे छोड़ दिया गया। ये क्या बात हुई? तो इनकी भैया इनकी जान में जान नहीं है क्या? इनकी जान की वैल्यू नहीं है क्या? ये सब नहीं होना चाहिए। तो हर सिटीजन को जो है आप इक्वली ट्रीट करिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स वगैरह वहां पे जो थी, लेक्स वगैरह वहां थी, इनको रिवाइव करने की रिक्वायरमेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट है ताकि लोगों को एडवांस में बताया जा सके भाई ऐसा कुछ हो सकता है, रेनफॉल वगैरह सेंसर्स वगैरह वहां पे लगाइए, है ना, वो सारी चीजें आप डेफिनेटली वहां पे लगा सकते हो। तो ये करके जो है थोड़ा सा एडिटोरियल हमारा बनता है। एक जो है एक्सप्लेनर सेक्शन में आपको हल्का सा रिकमेंड कर सकता हूँ, ये लंपी डिसीज वाला, यू नो, काफी ज्यादा भैया चल रहा है, 50,000 से 60,000 जो है ऑलरेडी कैटल अभी तक मर चुकी हैं, ज्यादातर केस राजस्थान में ही आए हैं। तो ये जो लंपी स्किन डिसीज वायरस है, ये जो कहाँ से आता है, कैप्री पोक्सी वायरस जीनस से आता है, और जिससे जो है शीप पोक्स और गोट पोक्स ये सेम ही फैमिली से आते हैं, और ये जोनोटिक डिसीज नहीं है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है, वैक्टर बोर्न डिसीज है, जैसे मॉस्किटो से फैलता है, है ना, जो मक्खियां वगैरह होती हैं वो काट लेती हैं उनसे फैल जाता है, यहां से बेसिकली ये फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, पानी होता है, जानवर वगैरह पी लेते हैं उससे भी जो है ये फैल सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 28 दिन का होता है, 4 डेज से 14 डेज का जो कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब ये एनिमल की बॉडी में उतने दिन तक रहता है। राजस्थान में काफी समस्या है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10 से 15% तक वैरी करती है, मतलब अगर 100 जानवरों को लंपी वायरस होता है कैटल्स को, तो उसमें से 10 से 15 जो है वो मर जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। जाम्बिया में 1929 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, फिर 2019 में जो है साउथ एशिया में चाइना में इसको डिस्कवर किया गया था, और उसी समय भैया बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में भी आ गया था। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे बहुत सारी है। तो इनका ये कहना है कि भैया जो लंपी वायरस डिसीज होता है किसी भी अगर कैटल को, क्या उसका मिल्क हम पी सकते हैं? तो उनका बिल्कुल पी सकते हो, दूध वूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्लीकेशन इकोनॉमिकली काफी ज्यादा है, क्योंकि जिसके लंपी डिसीज हो जाता है ना, तो उसकी फर्टिलिटी कम जो है वो खत्म हो जाती है जानवर की, ठीक है, तो अबॉर्शन हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन ओवरऑल कम हो जाती है। तो इसीलिए इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेज भी काफ़ी हैं इसके, खासकर राजस्थान जैसा स्टेट जहाँ पे काफ़ी लोग डिपेंड करते हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर, तो उस जैसे स्टेट के लिए तो काफ़ी दिक्कत है। बाकी गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब भैया काफ़ी जगह ये फैल गया है। तो अभी वैक्सीन हमारे पास हम लोग बना रहे हैं, बेसिकली ICAR ने एक वैक्सीन डेवलप भी कर लिया है, हो सकता है अगले 3 से 4 महीने में इस वैक्सीन को हम लोग मार्केट में लेके आए। अभी जो वैक्सीन दिया जा रहा है जानवरों को, कैटल्स को, वो गोट पोक्स वैक्सीन दिया जा रहा है, जो कि काफी इफेक्टिव माना जा रहा है, ठीक है। 47 लाख डोजेज अब तक दी जा चुकी है, लेट्स होप के और ज्यादा फ्यूचर में इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ करें। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था आर्टिकल आपको कराऊंगा, लेकिन ठीक है, हल्का फुल्का डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।